हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। आज की इस वीडियो में हम बीएजी के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनके असाइनमेंट्स के बारे में। तो आप सभी को बता दूं, असाइनमेंट्स का जो अपडेट आया, काफ़ी सारे न्यू असाइनमेंट्स आपके आए हैं एंड साथ ही जो है वेबसाइट का लेआउट भी चेंज कर दिया गया है। सो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपका बीएजी प्रोग्राम है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपको सारी की सारी डिटेल्स में दे पाऊँ, आपको सारे के सारे कन्फ्यूजन जो भी है क्लियर हो जाए। अब जो है न्यू असाइनमेंट मतलब आपके अपडेट करे जा रहे हैं, साथ ही में जो आपका लेआउट था असाइनमेंट्स का उसको भी जो है चेंज कर दिया गया है। तो वही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, देखिए आपको जो है सबसे पहले तो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है, जहाँ पर आप जो है असाइनमेंट अपने डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाके आप चेक करेंगे आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा आपका CBCS BA एंड BSc ANH। सो आपको जो इस पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए आपके जो CBCS के BA GK असाइनमेंट जो है ओपन हो जाएंगे। सेशन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 2020-2021। तो उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेआउट को जो है काफी ज्यादा आपका चेंज कर दिया गया एंड काफी ज्यादा सिंपल आप सभी के लिए कर दिया गया। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे असाइनमेंट लिखे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपके एबिलिटी के लिखे हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको जो है अलग अलग मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके जेनेरिक के लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे से आपको जो है सारे सारे असाइनमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखेंगे आप चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कोर डिसिप्लिन के आपके लिखे हुए हैं BAG एंड BAG ऑनर्स के लिए। सो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ऑनर्स एंड BAG के सारे असाइनमेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे असाइनमेंट पे, जैसे आप क्लिक करेंगे आपका असाइनमेंट जो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं BAG का जो असाइनमेंट है जुलाई 2020 टू जनवरी 2021 स्टूडेंट्स के लिए है। सो जिन भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था या फिर री रजिस्ट्रेशन किया था जुलाई 2020 में, उन सभी के एग्जाम जून 2021 में होंगे। सो उन सभी को असाइनमेंट अपने मार्च के अप्रैल के मंथ में जो है सबमिट करने होंगे। नीचे जाके आप डेट भी जो है चेक कर सकते हैं, जुलाई 2020 वाले स्टूडेंट इनके एग्जाम जून 2021 में होंगे, तो इनको जो है 30 अप्रैल तक अपने असाइनमेंट जो है सबमिट करने होंगे। असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाती है, तो उस चीज़ का आप टेंशन मत लीजिएगा। तो यही था पूरा का पूरा आपका लेआउट, जहाँ पे से आप जाके अपने असाइनमेंट चेक कर सकते हैं। अब आपको जो है अगर यहाँ पे असाइनमेंट को ढूंढने में दिक्कत होती है, बिकॉज आप चेक करेंगे यहाँ पे जो है डैश नहीं दिया हुआ, जैसे कि BSOC 109 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डैश जो है बीच में नहीं दिया गया। सो आप ऊपर जाके भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे किसी भी डैश नहीं दिया गया, जैसे कि BSOC आपको सोशियोलॉजी का यहाँ पे प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे BSOC डैश नहीं है, स्पेस देके 131 जो है लिखा हुआ है। तो आपको ढूंढना किस तरह से, जब भी आप यहाँ पे जाके अगर आप कंप्यूटर के अंदर देखना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल ऐप करना होगा। अगर आप इसे फोन के अंदर ओपन करते हैं क्रोम के अंदर, ऊपर 3 डॉट्स होंगे, वहां पे लिखा होगा फाइंड इन पेज। सो आप जो है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके आपको लिखना है BSOC। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके BSOC लिखेंगे तो आपको जो यहाँ पे अपना असाइनमेंट हाईलाइट हो जाएगा। और फोन के अंदर जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, आपको क्रोम में ओपन करना है। क्रोम में ओपन करने के बाद 3 डॉट्स ऊपर आपके होंगे, जिसे आप मेन्यू भी कह सकते हैं। वो 3 डॉट्स पे आपको ऊपर की तरफ क्लिक करना होगा, जहाँ पे कि आपका URL लिखा होगा, जहाँ पे ये URL आपको फोन के अंदर लिखा होगा, वहीं पे 3 डॉट्स होंगे, आप उसे ओपन करेंगे। उसके बाद वहाँ पे जो है फाइंड इन पेज लिखा होगा, जिसको जो है आपको ओपन करना होगा। वहाँ पे जाके आप जो अपना कोर्स का कोड लिखेंगे BSOC, आपको जो है डैश नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डैश मत डालिएगा। आप जो है सिंपल BSOC लिख के फाइंड कीजिएगा, आपको सारे असाइनमेंट जो है देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे असाइनमेंट जो है आपके हाईलाइट हो जाएंगे। एंड चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो है कौन से असाइनमेंट बनाना है। उसके लिए आपको इग्नू की वेबसाइट ओपन करनी होगी, जहाँ पे जाके जो है आप अपना एडमिशन का स्टेटस जो है ओपन कर सकते हैं। तो इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से अपना असाइनमेंट का अपने एडमिशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा, उसके बाद आपको जो है अपना प्रोग्राम कोड को सिलेक्ट करना होगा, एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है। सिंपल आपको जो इस वेरिफिकेशन कोड को सबमिट करके लिख के सबमिट बटन पे जो है क्लिक करना होगा, एंड उसके बाद जो है आपके एडमिशन का स्टेटस ओपन हो जाएगा। एडमिशन का स्टेटस ओपन होने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इन्हीं स्टूडेंट ने जो है एडमिशन लिया था जुलाई 2019 में, ठीक है, जुलाई 2019 में इनका फर्स्ट ईयर था, इन सभी कोर्सेज के इनको जो है असाइनमेंट बना के सबमिट करने थे, आई होप इन्होंने कर दिए होंगे। उसके बाद आपने जो है री रजिस्ट्रेशन किया था जुलाई 2020 में। अगर आपने फ्रेश एडमिशन लिया जुलाई 2020 में, तो आपको यहाँ पे जुलाई 2019 नहीं लिखा होगा। सो इन्होंने जो है री रजिस्ट्रेशन किया जुलाई 2020 में सेकंड ईयर के लिए। सो इनके जो है ये चार के सारे आपके कोर्सेज इन्होंने सेलेक्ट किए थे अपने, सो इन सभी का जो है इन्हें असाइनमेंट बना के सबमिट करना होगा। सो सिंपली अगर आपको नहीं पता है कि आपके असाइनमेंट कौन से हैं, तो आप अपने जो है एडमिशन का स्टेटस जो है चेक कीजिएगा, एंड उसके बाद जो है आप यहाँ पे जाके चेक कर पाएंगे अपने कोर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के अंदर कि आपको जो है कौन कौन से कोर्सेज आपने सेलेक्ट किए थे एंड किन किन कोर्सेज के जो है आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करने हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है BPSC 185। सो आपको जो है यहाँ पे आना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च करना है BPSC, तो यहाँ पे जो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा BPSC BPCS था सॉरी BP
सी एस। तो यहाँ पे जाके आप चेक करेंगे तो आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे जाके जो है असाइनमेंट यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे। 185 की बात थी तो देखिए यहाँ पे BPCS 185 जो है लिखा हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे से आप जो है सिंपली अपने असाइनमेंट ढूंढ के बना के डाउनलोड करके जो है बना के आप सिंपली इग्नू में सबमिट कर सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में, इसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके भी इसे जो है ओपन कर सकते हैं।